कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है. इट इज नॉट ट्रू. इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की और सेंसर वालों को बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं. तो हमें हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरांवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं. आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है. सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स इन दिस कंट्री. आई थिंक अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज को दबाया जाएगा और एक फिल्म को मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं हमारे माथे पर रख दी है तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं. और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं. मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ. वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ. क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेक ओवर कर लिया है. लेकिन फिर भी मैं जब ये चीज मीडिया में हर जगह है, ये चीज बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई एक बेचारी लड़की उसी चीज को बोलेगी जो सबके, अरे बोल दिया इसने तो बोल दिया, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे अरे क्या बेबाक है. और तुमको वो नहीं दिखी जो 1,00,000 न्यूज आइटम इसकी आई थी? मतलब कैसे लोग हैं. सो आई फील एज अ पर्सन मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये दुनिया कंगना रनौत जिथे इस बार बहुत ज्यादा दुखी अते कह सकते हैं रोंदी हुई दिखाई दिती है जिसने कहा कि सेंसर बोर्ड वालों उसनू फिल्म एमरजेंसी दे लई सर्टिफिकेट नहीं दिता जा रहा है क्योंकि सेंसर बोर्ड का कहना कि उन्होंने धमकियां रही ने ते तुहानू गलत सीन फिल्म दे विच कट्टणे पैणगे जिस दे विच पंजाब अते संतां नू गलत दिखाया गया है. पर उत्थे ही इनडायरैक्टली उन्हें एक बार फिर तो पंजाब ते किसानां ते पंजाबियां ते बेहद घिनौने आरोप लगाए ने जिते कि उसने कहा कि उस नूं भी अजिहियां घिनौनियां धमकियां रही ने. उत्थे ही कंगना दे चाहुण वालियां ने उसकी पोल खोल दिती है क्योंकि इस वीडियो दे विच जिस दे विच उह सेंसर बोर्ड वल्लों सर्टिफिकेट ना दित्ते जाण दी गल कह रही है. इस पोस्ट नूं उन्हां दे फैनस वालों शेयर किया जा रहा है जिसके कैप्शन लिखा जा रहा है कि इस कुड़ी तो सीखना चाहिए जेकर हंजुल लुकाने हो किस तरह धुंधले फ्रेम की वरतों करनी चाहिए है. तो इस गल्लां दे विच किते ना किते आप ही दिखा रहे हैं कि कंगना की बोलती बंद हो गई है हुण इस विरोध के करके. तो दोस्तों तुहानू की लगता है कि कंगना की फिल्म बैन होनी चाहिए है जां फिर नहीं, यस जां नो करके तुसीं भी अपनी राय जरूर कमेंट करो. उत्थे ही हुण वख सिख जथेबंदियां वख होरना जथेबंदियां वालों यह जो मॉल्स के मालक हैं या सिनेमेज के मालक हैं उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी गई है कि यह फिल्म रिलीज़ ना की जाए क्योंकि इसका बाइकआउट है क्योंकि किसी धर्म को किसी फिरके किसी शख्सियत को गलत दिखाना अपने आप दे विच एक वड्डा गुनाह है. और कंगना तो पहला ही नफरत फैलाने वाली एक अजिही औरत है जिहड़ी हर समय अपने बोलों के राही भड़काउंदी ही रहिंदी है. देखो वीडियो. आई थिंक अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज़ को दबाया जाएगा और एक फिल्म को मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं हमारे माथे पर रख दी है तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं. और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं तो इस तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं. मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ. वहां पे रेप हुए,
गैंग रेप हुआ है उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेक ओवर कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं जब ये चीज मीडिया में हर जगह है, ये चीज बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई एक बेचारी लड़की उसी चीज को बोलेगी जो सबके, अरे बोल दिया इसने तो बोल दिया, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे अरे क्या बेबाक है। और तुमको वो नहीं देखी जो 1 लाख न्यूज आइटम इसकी आई थी, मतलब कैसे लोग हैं। सो आई फील एज अ पर्सन, मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये दुनिया कई तरह की हवाएं उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडन बाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country.